फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर अपने मित्र राष्ट्रपति जोकोविच का अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने इस कठिन समय में G20 को कुशल नेतृत्व दिया है और मैं आज G20 समुदाय को पाली डिक्लेरेशन के अनुमोदन के लिए भी बधाई देता हूं। भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया के सराहनीय इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करेगा। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। वो ऐतिहासिक दिन जब इंडोनेशिया के बाली शहर में भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के समूह G20 की अध्यक्षता सौंपी गई। फिर क्या था, इस मौके को भारत ने अच्छे से बनाया और G20 के 18वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर कूटनीतिक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की अमिट छाप छोड़ी, जिसका डंका पूरे विश्व में बजा। अध्यक्षता मिलने के बाद भारत में कुल 10 महीने के अंदर देश भर के 60 शहरों में G20 की 200 से ज्यादा बैठकें हुई। G20 का लीडर्स समिट 9-10 सितंबर को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। G20 के आयोजन के चलते पूरी दिल्ली दुल्हन की तरह सजी थी और राजधानी का कोना कोना ये गवाही दे रहा था कि 18वें समिट का आयोजन कितना भव्य होगा। और विदेशी मेहमानों के आगमन के साथ हुआ भी कुछ ऐसा ही। विदेशी मेहमानों के ठहरने से लेकर उनके खान पान, हर जगह भारतीय संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। G20 की बैठक में नई दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसहमति से मंजूर किया गया। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। भारत, सऊदी अरब, अमेरिका और यूरोप को जोड़ने वाले रेल लिंक प्रोजेक्ट पर सहमति बनी। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने का ऐलान किया। इस गठबंधन में भारत, ब्राजील, अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। इस गठबंधन के जरिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा और कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो करने में काफी मदद मिलेगी। हाल के सालों में दुनिया के देशों में एक दूसरे के प्रति विश्वास में कमी आई है, लेकिन इस सम्मेलन में इस विश्वास को फिर से मजबूत करने की कोशिश की गई। बता दें कि G20 आर्थिक रूप से सशक्त देशों का एक समूह है। साल 1999 में जब एशिया में आर्थिक संकट आया था, तब तमाम देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने मिलकर एक फोरम बनाने की सोची, जहां पर ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा की जा सके। इसको लेकर ही इस समूह का गठन किया गया। इस तरह से G20 की पहली बैठक साल 2008 में अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई और अब तक इसकी कुल 17 बैठकें हो चुकी हैं।